वेल well, वैसे मैंने कहा था ना कि मैं अब ज़्यादा एक्टिव रहूँगी ज़्यादा रेसिपी पोस्ट करूँगी बेसिकली ये जो खुले खुले राइस दिख रहे हैं ना वो कुकर में बनाए हैं इजी बहुत कॉमन से स्टेप में दही वाले चावल आपने कभी खाए हो कुछ इस तरीके से ट्राई करना और ऐसा नहीं होता है जब हम लोग वीडियो बनाते हैं ना आप लोग को लगता है कितना परफेक्ट है लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ बहुत चीज़ें गिरती विरती हैं जैसे कि आपने यहाँ पर देखी वो तो हम लोग थोड़ा काट वाट देते हैं ना इसीलिए वो फिर वो एकदम परफेक्ट दिखते लेकिन एक्चुअल में नहीं होती ये रेसिपी के लिए कुकर ले लेना है जिसके अंदर हम लोग डालेंगे ऑयल खड़े मसाले मसाले डाल मसाले डाल देंगे देंगे और और खड़े चटकने के बाद हम उसके अंदर अंदर जीरा अनियन अनियन ऐड करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आपको डालना है तो नहीं तो आप ऊपर से इसके ऊपर क्रिस्पी अनियन भी ऐड कर सकते हो अभी अनियन डालने के बाद पिंक कर लिया है पिंक करके भी उसे हल्का में है और उसी के साथ ब्रेड चिली कश्मीरी डाली है वो है आई I में mean. क्यों मैं मसाले बीच में ला रही हूँ मसाले को भी टाइम है सब्जी अपने पसंद से ले लेना फिर अपने घर पे जो कॉमन से मसाले हो वो यूज़ कर लेना मेरे से ना यहाँ पे गर्म मसाला ज़्यादा हो गया था तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना थोड़ा सा कम मसाला डालो लाइट होगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा फिर वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा वो खाने में उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा फिर यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर में योगट को साइड पर रखा था वो मैंने गैस को बंद करके योगट डाला है राइस ऑलरेडी सोक करने रख दिया था राइस और जैसे मैंने योगट डाला उसी के राइस भी डाल दिया ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले अभी यहाँ पे योगर्ट का पानी भी होगा फिर राइस ऑलरेडी सोख करे तो सोच समझ के पानी डालना कि कितना डालना अगर आप ज़्यादा डाल दोगे वो तो फिर पतली खिचड़ी बन जानी है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना और एक और इस स्टेज पे आपको लगे कि इसके अंदर धनिया डालना हो तो आप धनिया ऐड कर सकते हो और इसी स्टेज पे आप क्रिस्पी अनियन भी डाल सकते हो वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है और ऐसे लगेगा भी नहीं कि आपने ये वाला जो आई I मीन mean, पुलाव कुकर के अंदर दही के साथ बना इतना सुपअप लगेगा ना मैंने तो पहली बार ट्राई करा बेसिकली मैं मेरे फ्रेंड के घर गई थी तो उसने ये बनाया था और मैं वहाँ बैठी थी फ़ोन यूज़ कर रही थी ना और मैं उसकी रेसिपी देख भी रही थी और जब भी उसने बनाया और मैंने ट्राई करा न मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा मैंने उससे रेसिपी तो ले ही ली और मैंने उसको बोला भी था कि मैं डेफिनेटली ये वाली रेसिपी ट्राई करूँगी पहली बार उसके घर खाया था दूसरी बार मेरे घर पे बनाया और सबको बहुत पसंद आया। और राइस भी खुले खुले बने अभी तो वो थोड़ा थोड़े गरम है इसीलिए ऐसे थोड़े चिपके जैसे लग रहे हैं लेकिन वो हल्के से ठंडे हो गए थे ना वो प्रॉपर खुले खुले राइस बने थे इतने अच्छे और इतने टेस्टी थे आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट करना और आप रायता या फिर ऑनियन किसी के साथ भी खा सकते हो बहुत जबब लगती है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग